अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या मोहम्मद आमिर को टीम में वापसी के लिए फिर से मनाया जाएगा? आपसे अपडेट शेयर करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को लाजमी दबा दें। चलिए दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं मोहम्मद आमिर की। मोहम्मद आमिर ने 2020 में हेड कोच मिसबाह उल हक और बॉलिंग कोच वकार यूनिस पर नाइंसाफी का इल्जाम आयद करते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया था। गुज़िश्ता दिनों मीडिया से बात करते हुए मुमकिन कमबैक के सवाल पर उन्होंने कहा था कि जिंदगी में आगे बढ़ चुका हूँ, कई दीगर मसरूफियात हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 3 साल का वक्फा खासा तवील होता है। मोहम्मद आमिर ने कहा कि पाकिस्तान का सिस्टम देखें तो हर माह कोई ना कोई तब्दीली आ जाती है, आप नहीं जानते कि आने वाले वक्त में क्या होगा। मेरे लिए ये बहस अब खत्म हो चुकी है। मेरे ख्याल में कमबैक कोई दानिशमंदाना फैसला नहीं होगा। दोस्तों, ये तो थी मोहम्मद आमिर की बातें, लेकिन कहानी में ट्विस्ट उस वक्त आया जब सोशल मीडिया पर बात करते हुए शाहीन आफरीदी ने आमिर की वापसी के हवाले से मुस्बित इशारा दिया। दोस्तों, ILT T20 में सीनियर पेसर के साथ डेजर्ट वाइपर की नुमाइंदगी करने वाले भूमि T20 टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी ने कहा, पाकिस्तान टीम में कमबैक के लिए दस्तयाबी के हवाले से मोहम्मद आमिर के साथ बात करूंगा। हम दोनों ने 5 साल तक इकट्ठे क्रिकेट खेली। मोहम्मद आमिर के साथ बॉलिंग का तजुर्बा बहुत अच्छा रहा था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, शाहीन आफरीदी मोहम्मद आमिर को टीम में वापसी के लिए मना पाएंगे या नहीं, कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप क्रिकेट के मुतालिक हर आने वाली नई अपडेट सुनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को लाजमी दबा दें। चलिए दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।